भारतीय सेना के शौर्य और साहस का प्रतीक कारगिल विजय दिवस की देश 21वीं सालगिरह मना रहा है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर में हुए कारगिल युद्ध को रविवार 21 साल पूरे हो गए हैं। 26 जुलाई 1999 में भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान सेना को शिकस्त दी थी। इस दिन देश के वीर सपूतों के बलिदान को पूरा देश याद कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी देश के जवानों को याद किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मां भारती की अर्चना की थाल को अपने तन मन और जीवन में सजाते वाले अदम्य साहसी अमर शहीदों के बलिदान को हम सभी भारतीय कोटिक नमन करते हैं। कारगिल विजय दिवस की वर्षगांठ हमें भारतीय सेना के इन महान सपूतों के शौर्य, त्याग और बलिदान का पुण्य स्मरण कराती है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं भारत माता के अपने उन सभी शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने 1999 में पाकिस्तान के द्वारा अनधिकृत घुसपैठ को पूरी मुस्तैदी के साथ जवाब देकर के पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरा था। भारत के बहादुर जवानों ने इस भौगोलिक परिस्थिति के बावजूद इस शौर्य और पराक्रम का परिचय कारगिल युद्ध के समय दिया था। आज का दिवस अपने उन बहादुर जवानों के प्रति नमन करने, शहीद हुए जवानों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि का एक अवसर है। पूरे देश ने अपने बहादुर जवानों की शौर्य और पराक्रम पर गौरव की अनुभूति की, तो शहादत पर सभी ने अपने बहादुर जवानों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अपने बहादुर जवानों की देश सेवा और रक्षा के लिए किए गए शौर्य पराक्रम के लिए उन सब का एक बार फिर से नमन करता हूं। कारगिल विजय दिवस पर अपने सभी शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं अपने बहादुर जवानों को और पूरे देशवासियों को भी देता हूं।